हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको करा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ देखता हूँ तो उसकी जो कर्व है वो बच्चों कुछ इस टाइप से आती है। इधर हमारे पास टाइम और इधर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। ये टाइम हाफ हो जाता है, ये टाइम टी। इस पर हमारे पास 3t/4 और इस पर हो जाएगा 3t/4। ओके, और ये टाइम क्या है हमारे पास, ज़ीरो है। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में निकाला है 1/2m ω² / y² होता है। काइनेटिक एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला निकाला 1/2m ω² a² - y² और टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला था जो हमेशा कांस्टेंट रहती है 1/2m ω² a² होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ एट इंस्टेंट t = 0, अगर टाइम जीरो है तो देखो यहाँ पर वाई कितना है, जीरो है ना, और वाई की वैल्यू जीरो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वाले की इसमें पुट करता हूँ तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी यानी 1/2ω² a² और टोटल एनर्जी हमारे पास कॉन्स्टेंट ही रहेगी 1/2m ω² a². सिमिलरली अगर मैं बात कर लेता हूँ एट इंस्टेंट t = t/4 यानी यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें पता है कि यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होगा जिसको हमने a बोला है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, a। तो यहाँ पर अगर मैं a पुट करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी इस बार यानी 1/2m ω² y की जगह a पुट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ए पुट करेंगे तो a² - c² जाएगा जीरो और टोटल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी यानी 1/2ω² a². अगर मैं इनको लेके ग्राफ ड्रॉ करता हूँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया एंड ये हमारे पास टाइम की कर्व हो गई। तो अभी मैं इनिशियली बात कर लेता हूँ, जब y इज इक्वल टू जीरो है या टाइम जो है हमारे पास वो जीरो है, तो टाइम जीरो होगा तो क्या होगा, तो t इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा। देखो t इज इक्वल टू जीरो की अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है यानी यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो ये एनर्जी है और इधर हमारे पास टाइम है, वो ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ t/4, तो t/4 टाइम यहाँ हो गया, तो t/4 पर देखो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई यानी जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमारे पास आ गई जीरो पे और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये देखो मैक्सिमम हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास पहुँच जाएगी मैक्सिमम पे। अगेन अगर मैं बात कर लेता हूँ एट इंस्टेंट t/2, ठीक है, अगर मैं t/2 की बात करता हूँ, t/2 पर फिर से y क्या हो जाएगा, जीरो, और y जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। देखो t/2 यहाँ पर मान लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से जीरो पे आ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम पर पहुँच जाएगी। ठीक है, अगेन अगर मैं फिर से 3t/4 की बात कर लेता हूँ तो 3t/4 पे फिर से एम्पलीट्यूड a के बराबर हो जाएगा, एम्पलीट्यूड a होगा तो फिर से ये कंडीशन हो जाएगी यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फिर से क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ से फिर से मैक्सिमम पहुँचा देंगे और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो पे आ जाएगी। सिमिलरली t की बात करें तो t पर फिर से क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा और ये हमारे पास मैक्सिमम पहुंच जाएगी। तो ये ग्राफ और पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो रही है लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, हमेशा से कांस्टेंट। तो ये ऊपर वाली सॉलिड लाइन जो है
वो टोटल एनर्जी हमारे पास शो कर रही है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी सॉलिड और ये हमारे पास डॉट डॉट पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है। एक चीज और हम यहाँ से देख सकते हैं, देखो कि ये जो हमारे पास कर्व है, ठीक है, इसने एक रोटेशन किया टी टाइम में, लेकिन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी किसी को भी देखूं तो इसका एक रोटेशन यहाँ कंप्लीट भाई मैक्सिमम से गया था, फिर से मैक्सिमम आ गया, फिर दूसरा रोटेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम, फिर कंप्लीट, ठीक है। तो दो रोटेशन इसके कंप्लीट हो रहे हैं, तो ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी के भी दो रोटेशन कंप्लीट हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डबल देन दैट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले से इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो डबल हो जाएगी।